YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चंबा घाटी की बात करेंगे। चंबा घाटी की अमूल्य धरोहर में से एक डलहौजी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। आज हम आपको डलहौजी की एक ऐसी फेमस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ पर हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच बर्फ से ढका एक छोटा सा शहर है डलहौजी। ऐसा शहर जो यहाँ आए इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। चारों तरफ ऊंची ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हर किसी को अपनी ओर खींच रही हैं। वैसे तो पूरा डलहौजी ही लोगों की पसंद है, लेकिन स्नो पॉइंट पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। डलहौजी और चंबा से रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक बर्फ देखने की चाह में यहाँ आते हैं। आए हैं और अभी सचमा जाने का सोच रहे हैं। अब लेट्स सी, मजा आएगा। इट्स इंटरेस्टिंग प्लेस। आइए, प्लीज आइए यहाँ पे। थैंक यू। चंबा से करीब 130 किलोमीटर और डलहौजी से 165 किलोमीटर की दूरी पर बसा साच पास का सफर किसी रोमांच से कम नहीं है। बैरागढ़ से साच पास तक संकरे नोमैंस लैंड पहाड़ी मार्ग के बीच से गुजरते वक्त पर्यटकों को पड़ने वाला पसीना कुछ किलोमीटर के बाद हाड़ कंपा देने वाली ठंड से सूखते ही रोमांच में बदल जाता है। ये रास्ता काफी दुर्गम और खतरों से भरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर्यटक बर्फ से ढकी पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए आते हैं। अच्छा है, इलाका अच्छा है, थोड़ा रोड खराब है, लेकिन नेचर के हिसाब से जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है। कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए इसमें, इतना खास काफ़ी अच्छा है। और पुलिस व्यवहार और यहाँ के लोकल्स का बहुत सहयोग है। हमारा पूरा सामान खुलवाया बंधवाया, अच्छे लोग हैं। वैसे तो साच पास सुंदर टूरिस्ट पॉइंट है और लोग सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहाँ हर रोज आते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद यहाँ के ट्रेवल एजेंट बोल रहे हैं। इन केस ऑफ कोई कैजुअलिटी मिस हैपनिंग या ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस थिंग की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है ये वो, तो उसके लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को या जो यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन या ये हैं इनको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टूरिस्ट एज वेल एज दिस पीपल्स आर ट्रैकर्स। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, 5-6 लोग हम घूमने आए हैं, बट इट्स अवेसम और हम चाहते हैं कि साल में एक बार हम जरूर यहाँ आएँ। और साच पास क्या, साच पास से होके पांगी लाहौल स्पीति तक हम इस चीज़ को करें। बिना किसी सुविधा के ये जगह पर्यटकों के दिल को इतना भा रही है, तो जरा सोचिए अगर इस जगह को और ध्यान दिया जाए, इसे पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील किया जाए, यहाँ सुविधाएं दी जाए, तो फिर ये जगह और कितनी लोकप्रिय हो सकती है। खबरें अभी तक के लिए डलहौजी से अजीत सिंह की रिपोर्ट।